कि बच्चे को हाई लेवल का इंफॉर्मेशन और एजुकेशन विस्तार से मिले। बच्चे लोग एक्चुअली में एग्जांपल बिहार के हैं तो वो बेंगलोर नहीं पहुंच पाते हैं या दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं वो कि हमको कहां पे कौन सा कोर्स करना है, तो जस्ट एक हेल्प सेंटर है जहां पे। भी एडुटेक एकेडमी का उद्घाटन सौरभ गौरव शर्मा दोनों अपने माता के श्री द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन सेंटर उनके पिताजी चला रहे थे, परंतु अकस्मात उनके देहांत होने के बाद है और पुत्र वही जो अपने पिता का नाम रोशन करे, इस काम को आगे बढ़ाते हुए अपने माता के हाथों के द्वारा इस शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन वो रिबन काट के करेंगे। नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। आज मैं लखीसराय में आया हूं जो बिहार का बहुत ही एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है और वर्तमान समय में लखीसराय एजुकेशन के रूप में बहुत फेमस भी हो रहा है। यहां के जो युवा लोग हैं, युवा छात्र हैं, वो हायर स्टडी के लिए उन्हें बहुत दिक्कत होती है दूर जाने के लिए। ऐसे समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान समय में लखीसराय में आरबी एडू टेक नाम का एक एजुकेशन संस्था का स्थापना किया गया, उसका जो ओपनिंग है। आइए मैं उस सिलसिले में आपको अन्य लोगों से बात कराते हुए मैं दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार दो युवक मिलके, गौरव शर्मा और सौरभ शर्मा मिलके इसने ये प्रोग्राम चालू किया है ताकि यहां के स्थानीय युवा को अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हायर स्टडी के लिए यहां पर बहुत दिक्कतें होती है, चाहे वो GNM का कोर्स हो, ANM का हो, DLED हो, BEd हो, BA, BCom या फिर MBA, BBA लेके कोर्स, ऐसे हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर यह स्थापना की गई है। इसी सिलसिले में यहाँ पर बहुत से लोगों जो आए हुए हैं प्रोग्राम में उनसे सबसे मैं बात करता हूँ। कट कर दीजिए। सौरभ और गौरव शर्मा के जो माता हैं उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि किस प्रकार अपना आशीर्वाद दोनों पुत्रों को देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि इनके पिताजी गुजर गए थे, सब अपना दोनों रोजगार संभालेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि लखीसराय में ये जो आरबी एडुटेक एजुकेशन सेंटर चालू किया गया है, हालांकि ये सेंटर इनके पिताजी जो सौरभ गौरव शर्मा चालू किए हैं, आरबी सेंटर है, रामभरन ठाकुर जी चालू किए थे और वह बखूबी अपने एरिया में बहुत ही फेमस भी हैं, एज ए प्रोफेसर भी, एज ए टीचर भी, और काफ़ी लोकप्रिय भी थे। न जाने कितने स्टूडेंटों का उन्होंने जीवन संवारा है, हज़ारों बच्चों का फॉर्म फिलअप करके, चाहे वो बिहार बोर्ड ओपन का हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, परंतु अकस्मात उनकी मृत्यु के बाद अचानक ये काम कार्यभार उनके दोनों पुत्रों ने संभाला। उसमें से एक सबसे बड़े सपुत्र हैं जिनका नाम गौरव शर्मा, उनसे मैं आके बात करता हूँ कि किस प्रकार उनका ओपिनियन है और किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रोग्राम के लिए। नमस्कार सर, इंडिया एज न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम जो चालू किए हैं, ये जो संस्था जो चालू किए हैं आप लोग आरबी एडुटेक, इसका क्या सोच कर आप लोग चालू किए हैं इसको? ये इंस्टीट्यूट जो है लखीसराय में पहली बार हमने खुद स्टार्ट किया है। इस टाइप का सुविधा लखीसराय में कभी है ही नहीं, लखीसराय ज़िले में नहीं। तो मैंने बच्चों को देखते हुए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए मैंने खुद ये संकल्प लिया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी गाइडलाइंस के लिए इसको आगे बढ़ाना है। और इस तरह में कि जो भी सुविधाएँ यहाँ पे है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी यहाँ पे एजुकेशन स्टडी सेंटर चाहिए वो हम सारा उपलब्ध, हमारे साथ 200 प्लस इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े कॉलेज का टाइप है। इसमें सभी प्रकार के शिक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, MA, BA, PhD, बी फार्मासी, डी फार्मा जो भी है चाहिए, नर्सिंग का, ANM, GN, सारी सुविधाएँ हम साथ लेके आए हैं। अब बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्म ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्स कर सकते हैं वो आपकी पे। और यहाँ का जो युवा लोग है, खास करके लखीसराय छोटा शहर है तो जिस कारण यहाँ के बच्चे बाहर जा नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को किस प्रकार संबोधित करना चाहेंगे? अब जो बच्चे यहाँ से, अब जैसे जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन कोरोना काल में बहुत से शिक्षा पर प्रभाव पड़े हैं, एजुकेशन सिस्टम ऑफलाइन को खास चलने रहा है, इसलिए सारा सुविधाएँ हम कोशिश करें कि ऑनलाइन का व्यवस्था करवाएँगे। जो यहाँ पे जो कोर्स चाहिए वो आपको कोर्स ऑनलाइन भी कोर्स करा रहे हैं, आप हमारे एडमिशन लीजिए, मिलिए और हमसे जो भी बनेगा, जो भी हम जहाँ तक हो, एक बच्चे को और अच्छे स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा और अच्छे गाइडेंस की संकल्प। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में किस प्रकार बच्चों को आप ऑनलाइन गाइड करना चाहेंगे?
उन्होंने हमारे जो भी यहाँ पे कोर्स है हमारे पहले आके हमारे ऑफिस में आके मिलिए है ना, उसके बाद आपकी जैसी नॉलेज आपकी जैसी एजुकेशन सिस्टम जिस लेवल में आपका जानकारी है नॉलेज है उस लेवल में हम आपको गाइडलाइंस करेंगे, चाहे वो मेडिकल से हो इंजीनियर से हो बीटेक से हो डिप्लोमा से हो, जैसी आपकी क्वालिटी जैसे हम आपको खुद गाइडेंस करेंगे कि आपका ये लेवल अच्छा है तो आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपका ये साइंस ठीक है तो आप इसमें जा सकते हैं, उस टाइप को शिक्षा दे सकते हैं। और हम बहुत जल्द कोशिश करके अब हम ऑनलाइन सुविधा के लिए करवाएंगे, आप हमारे आइए एडमिशन लीजिए और ऑनलाइन सुविधा करवा देंगे, आप यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई क्लासेस की व्यवस्था है क्या? यहाँ पर क्लास की व्यवस्था तो अभी नहीं, लेकिन हम क्लास की व्यवस्था बहुत जल्द करने वाले हैं। आरबी एडुटेक को स्थापना किए हैं सौरभ शर्मा और गौरव शर्मा मिलके, तो सौरभ जी से बात करने जा रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम जो चालू किए हैं या संस्था जो स्टार्ट किए हैं इसको किस ऊंचाई तक लग जाएंगे और किस तरह अपने पिताजी के सपने को साकार करेंगे, क्या उनके मन में है कि इस सेंटर को लेकर किस प्रकार लखीसराय के युवाओं के लोगों को मदद करना चाहेंगे जो खास करके दूरी की वजह से और पैसे की समस्या की वजह से बड़े शहर की ओर नहीं जा पाते हैं। आइए मैं सौरभ शर्मा से बात करता हूँ। सौरभ जी आपका इंडिया एनएज में स्वागत है, नमस्कार जी। धन्यवाद आपको, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। किस प्रकार इन्होंने अपने जो एजुकेशन सेंटर को चालू किया, क्या उद्देश्य क्या आशाएं और क्या बात को लेकर चालू किए आप? हमारा उद्देश्य है बहुत सारे भी बच्चे विद्यार्थी और स्टूडेंट जितने भी पास आउट होते हैं 10, 12 और उन लोग को डीपली जानकारी नहीं मिल पाती है एक्चुअली में कि आगे भविष्य में करना क्या है, तो जस्ट एक हेल्प सेंटर हमने यहाँ पे लॉन्च किया है लखीसराय में, डिस्ट्रिक्ट में यूनिक है ये, और इसको हम बहुत एक डीपली वे से इसको हम ओपन करेंगे। इसको हम जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे बच्चे 10, 12 पास करते हैं तो उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम बीटेक करें या बीसीए करें या फिर एमबीए करें, एक्चुअल में उनका फ्यूचर का जो एजुकेशन होता है उसको जानकारी नहीं हो पाता है। तो एक हमारे सेंटर ऐसा है कि बच्चे को उनके इंटरेस्ट के अनुसार जिसमें उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उस तरीके से एक अच्छे काउंसलिंग करके उनको हम डिलीवर देंगे। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चे लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है एक्चुअली में कि कहाँ पे हमारा सीट खाली है, कहाँ पे सीट खाली नहीं है, कहाँ पे रिजर्वेशन हमारा मिल रहा है, कहाँ पे स्कूल के लिए एलिजिबल हम लोग है या नहीं है, तो एक्चुअल में बच्चे को ये सब जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये हमारा एक्चुअल में उद्देश्य क्या है कि हम जन जन तक जितने भी जो रूरल एरियाज जो बिलोंग करते हैं एक्चुअल में उन लोग को जन जन तक पहुंचाना ये सब इंफॉर्मेशन। अच्छा, और ये प्रश्न आपसे मेरा ये है कि किस प्रकार का कोर्स यहाँ करवा रहे हैं और कैसे कैसे यूनिवर्सिटी किस प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो नेशनल लेवल का हो या अब्रॉड लेवल का हो, तो कैसे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टाइप किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताएंगे? यस, हमारे पास करीबन 200+ यूनिवर्सिटी हैं टाइप टोटल। अगर हम इंडिया का बात करें तो हमारे पास ITM है, टॉप मोस्ट टॉप लेवल पे एकदम है, टॉप 10 में ये सब कॉलेज आते हैं। और ITM हो गया आपका, CK मणिपाल हो गया आपका, इग्नू हो गया टॉप मोस्ट अभी है, लेक्चर्स आपका है, ITM हो गया आपका, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं अभी टाइप में। अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ तो हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस भी है जो मैंने वेबसाइट पर भी हमने सारी चीज़ को हमने जानकारी दे रखी है, तो उस विस्तार में कहा जाए तो नेक्स्ट जेन हो गया, ब्रांडवेयर हो गया, यादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका पटना का नीट हो गया, NIT हो गया, बेंगलोर में बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से हम लोग का कोलाबरेट हम लोग का हो गया है, तो हम लोग उस चीज़ पे भी हम लोग फोकस करें कि बच्चे को हाई लेवल का इंफॉर्मेशन और एजुकेशन विस्तार से मिले। बच्चे लोग एक्चुअली में एग्जाम्पल बिहार के हैं तो वो बेंगलोर नहीं पहुंच पाते हैं या दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं वो कि हमको कहाँ पे कौन सा कोर्स करना है, तो जस्ट एक हेल्प सेंटर है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ हमारे पास सारी यूनिवर्सिटी से हम लोग टाई अप कर रखा है, तो जस्ट एक कम्युनिकेशन आप यू कैन से इट्स ए वेरी इजी कन्वर्सेशन एंड वेरी इजी हेल्प लाइक सेंटर वेरी वी कैन गिव द कोलाबरेशन ऑफ द ऑल एंटायर यूनिवर्सिटी। कौन कौन सा आप लोग कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पर? देखिए सर, हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो 10, 12 तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और उसके बाद हम लोग अभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों भी लॉन्च किए हैं। जैसे कि एग्जांपल कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना है, तो NM, GNM, बी फार्मा हो गया आपका, नर्सिंग हो गया, MBBS हो गया, BDS हो गया, MD हो गया, तो ये सब चीज़ों पे हमने पहले फोकस रखा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट है कि हमको मेडिकल सेक्टर में जाना है बट दे डोंट हैव आइडिया कि हमको किस में करना है। तो
तो मेडिकल का हर एक सेक्टर है जिसमें कि अलग अलग यूनिट है, अलग अलग विंग्स है जो कि जहाँ पे हम लोग कोलाबरेट करेंगे इस चीज़ को लेकर के। फिर हमारा टेक्निकल में आपका बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, आपका बीएससी आपका हो गया, आईटी सेक्टर में आपका हो गया, जावा डॉट नेट डेवलपर, बहुत सारे कोर्सेज हैं एडिशनल जहाँ पे हम लोग उसको लॉन्च कर चुके हैं यहाँ पे। और अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो हमारे पास आपका सिंपल आपका ग्रेजुएशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, बीसीए और आपका बीबीए हो गया आपका, और बहुत सारे हैं जो कि हमारे पास वो सब टाइप हमने कर रखा है चीज़ों को लेकर के। अच्छा, इन सभी कोर्सेज में कुछ क्या यहाँ क्लास कराने का प्रावधान है या स्टार्ट करना चाहेंगे जो बच्चे दूर नहीं जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने मेरा ये मोटो है कि बहुत देखिए आज के डेट में डिजिटल इंडिया का बहुत बहुत इजी वे से हम लोग का विंग्स हमारे पास पहुँच गया है और डिजिटल इंडिया काफ़ी डेवलप हो चुकी है इंडिया में। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, बहुत सारे सेमिस्टर ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, टॉप हमारे टीचर्स भी हैं, कलकत्ता से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। यस, वी हैव अ न्यू फ्यूचर प्लानिंग वेयर वी कैन स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोस्पेक्टस हमारे पास होगा, हर एक लेवल पर हम लोग ऑनलाइन क्लास जरूर स्टार्ट करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन स्टूडेंट को, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, अभी लॉकडाउन का तो सिचुएशन बहुत अभी डीप चल रहा है, पूरी तरीके से अभी इंडिया कवर अभी नहीं हुई है, हालांकि एरिया बाई एरिया बहुत सेफ्टी रखा जा रहा है। और हम विद्यार्थी से यही कहेंगे कि आप लोग सेफ्टी रहें, घर में रहें, और फैमिली गार्जियन का आप लोग सारा चीज़ सपोर्ट रखें और उनका बात माने। और अभी तो फिलहाल तो अभी यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, अभी तो ओपन होने नहीं जा रहा है पूरी तरीके से, तो घर बैठे ही वो लोग अपना स्टडी करें अच्छी तरीके से। अब वो लोग अपना थोड़ा सा लाइफ का जो है ना एक विंग्स है, तो इसको ऐसे नहीं जाने देना है। आप घर बैठे अपना ऑनलाइन हो क्लास, ऑफलाइन क्लास हो, आप सही तरीके से इसको आप समय को व्यर्थ, मेरा एक उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी को कि अब समय का उद्देश्य जो है उसको आप सही तरीके से फॉलो कीजिए लॉकडाउन में, इसको यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दीजिए आप लोग। और भी जो सौरभ शर्मा के रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात करना चाहता हूं कि आखिर इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं या क्या बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम किस प्रकार चालू किया गया। मेरी तरफ से इंडिया न्यूज को धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि लखीसराय में कोई ऐसा एजुकेशन नहीं था और आज हम इस देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि सारे बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, दूर दूर जाने से अभी असमर्थ हैं क्योंकि कोरोना काल है, और यहाँ नज़दीक में खुल गया है तो बच्चे तो खुश होंगे और उनके गार्जियन भी खुश हो जाएंगे कि ऐसा एजुकेशन हमें घर बैठे मिल रहा है। और यहाँ नए भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं और अच्छे भविष्य बना सकते हैं। मैं इसी से धन्यवाद। आप किस प्रकार गार्जियन को अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के बारे में बोलना चाहेंगे ताकि अपनी लड़कियों को और अधिक से अधिक पढ़ाए लिखाए? अच्छी से अच्छे गाइडलाइन देंगे और अच्छे रास्ते दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा ही भविष्य है और बच्चा अगर आगे चलेंगे तो गार्जियन की खुशी होगी। और मेहनत करना बच्चा को गार्जियन ही सिखाते हैं, तो हम लोग बच्चे को गाइडलाइन करेंगे कि अच्छे रास्ते पर चलो और मेहनत करो और ऊंचे मंजिल तक पहुंचो। मेरे इंडिया आई न्यूज़ चैनल को आप लोग देखते रहिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और जो मेरे न्यू व्यूवर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये एजुकेशनल नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।